जी दोस्तों, वेलकम टू बायोग्राफी शॉप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी एक्टर उस्मान मुख्तियार की बायोग्राफी बताएंगे। उस्मान मुख्तियार पाकिस्तानी यंग एक्टर, एडॉप्टेबल और पाकिस्तानी इंटरटेनर, मॉडल, डायरेक्टर और सिनेमोग्राफर हैं। दोस्तों, उस्मान मुख्तियार 2006 से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सी फेमस थिएटर में भी और मूवीज़ में भी काम किया है। इनका फुल नेम और रियल नेम बिल्कुल यही उस्मान मुख्तियार है। ये पाकिस्तान में फेमस हैं एक्टिंग की वजह से। इनकी नेशनलिटी डेफिनेटली पाकिस्तानी है। और अगर बात करें रेजिडेंस की, तो ये अपनी फैमिली के साथ कराची में रहते हैं। और अगर बात करें एजुकेशन की, तो इन्होंने जर्नलिज्म में तालीम हासिल कर रखी है। और इनका जो रिलीजन है वो डेफिनेटली इस्लाम है। ये पाकिस्तान के प्रोफेशनल एक्टर, मॉडल, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने 2006 में अपना डेब्यू किया था। इनका जो डेब्यू ड्रामा था वो अना था, जो कि काफ़ी फेमस हुआ। इनकी जो डेब्यू फिल्म थी वो जानान थी। इनकी जो हाइट है वो 5 फीट 10 इंचज़ है। ये 27 जुलाई 1985 को रावलपिंडी में पैदा हुए थे। तो 2020 में जो इनकी एज बनती है वो 35 ईयर्स बनती है। इनका जो मैरिटल स्टेटस है वो अभी तक अनमैरिड है। और अगर बात करें सिबलिंग्स की, तो इनकी एक सिस्टर है। मज़ीद अगर बात करें तो इनकी जो वालदा थी वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, जिनका नेम था नसीरा। उन्होंने तकरीबन 158 फिल्में की हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनके ग्रैंडफादर की, तो वो एक वकील हैं। इसके अलावा एक सिस्टर है इनकी, जिनका ताल्लुक शोबिज़ से नहीं है। अगर बात करें उस्मान मुख्तियार के ड्रामास की, तो इन्होंने अब तक एक ड्रामा सीरियल अना और दूसरा इन्होंने सबात ड्रामा किया है। और ये दोनों ड्रामास इनके फेमस हुए हैं। और अगर बात करें इनकी मूवीज़ की, तो इन्होंने जानान और पर्ची में काम किया है। और ये दोनों मूवीज़ पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर मूवीज रही हैं। तो दोस्तों, ये थी इनकी बायोग्राफी। अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।